नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिना ब्रेक के लगातार प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा, और आज हम बात करेंगे हंगामे की नीति जो बनेगी 24 की रणनीति। दरअसल इस पर प्रश्न चिन्ह है। संसद का शीतकालीन सत्र ऐतिहासिक हो गया है, किसी महत्वपूर्ण बिल के पास होने की वजह से नहीं बल्कि उस रिकॉर्ड की वजह से जिसका गवाह ये नई संसद बन रही है। एक साथ विपक्ष के 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। सरकार कह रही है चर्चा से विपक्ष भाग रहा है और अमर्यादित आचरण बर्दाश्त नहीं होगा, जबकि विपक्ष सरकार के फैसले को तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या से जोड़ रहा है। इस बवाल के बीच आज इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। कहा गया सदन में सरकार के रवैये ने विपक्षी एकजुटता के लिए संजीवनी का काम किया है, बिगड़ते विपक्ष को एक बार फिर से एक करने का काम किया इस फैसले ने। लेकिन आज होने वाली इंडिया अलायंस की बैठक में कोई ठोस फैसला, कोई बड़ा संदेश नहीं निकल पाया। लेकिन एक मंच पर एकत्रित हुए विपक्ष ने हंगामे से सवाल तो खड़ा कर ही दिया है कि क्या यही हंगामे की नीति तय करेगी 2024 में विपक्ष की रणनीति। देखिए, आपकी ये अहंकार लोग देख रहे हैं। वो हमें निकाल कर ये नहीं तय कर सकते कि सदन में हमारी आवाज खामोश हो जाएगी। ये सांसद सस्पेंड नहीं हुए, डेमोक्रेसी सस्पेंड हुई है। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से लोकसभा को मंदिर कहेगी? लोकसभा में हंगामा, संसद में हाई वोल्टेज ड्रामा। विपक्ष पर कड़ा एक्शन, 141 सांसदों का निलंबन। तख्तियां लेकर सदन में नहीं आना है, आप सबका निर्णय है। हर विषय पर चर्चा कराएंगे लेकिन तख्तियां लेकर सदन नहीं चलेगा। सस्पेंशन पर संसद में टेंशन, विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। हिटलर शाही का आरोप, सत्ता पक्ष क्यों है मौन? हंगामे की नीति 2024 की रणनीति। फिर माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं, अंतिम चेतावनी दे रहा हूं सर, माननीय सदस्यों को लोकतंत्र के मंदिर में गहमा गहमी है। हर तरफ नारेबाजी और सरकार के खिलाफ विरोध का शोर है। ये उसी लोकतंत्र के मंदिर की सबसे लेटेस्ट तस्वीरें हैं, जहां आज भी हंगामा बदस्तूर जारी रहा। विपक्ष सरकार के निलंबन वाले फैसले और संसद में सुरक्षा चूक के मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान पर अड़ा रहा। संसद के शीतकालीन सत्र के 12वें दिन यानी मंगलवार 19 दिसंबर को विपक्ष ने सांसदों के निलंबन को लेकर दोनों सदनों में हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने सदन के गेट और परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन किया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह से 3 बार स्थगित की गई। इसके बाद लोकसभा से विपक्ष के 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इस तरह अब कुल 141 सांसद सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। यही नहीं, लोकसभा के प्रश्न सूची से 27 सवाल भी हटा दिए गए। ये सवाल निलंबित सांसदों की तरफ से पूछे गए थे। सदन में सांसदों के निलंबन के बाद पूरा विपक्ष आग बबूला हो उठा। बीजेपी और एनडीए पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाने लगा। ये आपकी जहन में सवार हो गए हैं, एक शक्ति जो शक्ति देव शक्ति नहीं असुर शक्ति कही जा सकते हैं। आपकी ये अहंकार लोग देख रहे हैं। एक मामूली सी मांग थी हमारा कि अमित शाह जी सदन पे आए और एक बयान दे। अलोकतांत्रिक है, कोई अपनी बात कहना चाहे तो उसमें आप अवरोध उत्पन्न करेंगे। हम सदन में क्यों आते हैं? वाद विवाद के लिए। सरकार कोई गलत काम करे तो उसकी आलोचना, तो वो हमें निकाल कर ये नहीं तय कर सकते कि सदन में हमारी आवाज खामोश हो जाएगी। हम अंतिम क्षण तक पूरी शक्ति के साथ लोकतांत्रिक ढंग से लड़ते रहे। वो बीजेपी सांसद सस्पेंड नहीं हुए जिनके बतौर मेहमान 2 आरोपी आए। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संदेह नहीं है, गुरेज नहीं है
कि ये सांसद सस्पेंड नहीं हुए, डेमोक्रेसी सस्पेंड हुई है। अगली बार ये आ गए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खत्म हो जाएगा, हम और आप इस दरवाजे से नहीं घुस पाएंगे, वो बाहर खड़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से लोकसभा को मंदिर कहेगी? यहाँ जनता से चुनकर के लोग आते हैं अपनी बात कहने के लिए, सहमति असहमति हो सकती है, अपनी बात रख सकते हैं। ये सरकार सही बात सुनना ही नहीं चाहती है। जो तो अभी तक कुल मिलाकर के 141 सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं। और याद कीजिए किस तरीके से एक एक करके ये घटनाक्रम चला, आपको दिखाते भी हम, आज भी जो कुछ हुआ और इससे पहले भी जो कुछ हुआ। सबसे पहले इसे पॉइंटर्स के हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि विपक्ष कह रहा है ये तानाशाही है, विपक्ष कह रहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। तो आपको दिखाते हैं सबसे पहले तारीख 13 दिसंबर की तारीख, और दो अनजान शख्स जिस दौरान घुसे थे सदन के भीतर, पूरे देश ने देखा, उसी पर दरअसल अमित शाह से जवाब मांगा जा रहा है। शीतकालीन सत्र के 12वें दिन भी आज, यानी 12वां दिन आज भी हंगामा देखने को मिला, जमकर हंगामा हुआ, जिसकी वजह से ये सांसद सस्पेंड कर दिए गए, एक तरीके से इतिहास बन गया शीतकालीन सत्र के 12वें दिन, क्योंकि ये सत्र जो है छोटा सत्र है और ऐसे में महज कुछ दिनों का, 15 दिनों का कुल मिलाकर के 12वां दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। इसमें कितना कामकाज हो पाएगा अब ये सोचना भी शायद बेमानी है। तो 12वां दिन हंगामे की भेंट चढ़ा, सदन से सस्पेंड हुए सांसदों ने प्रदर्शन किया, जमकर विरोध, गांधी प्रतिमा के सामने देखने को मिला, फैसले पर नाराजगी और विरोध दोनों ही विपक्षी सांसदों की तरफ से देखने को मिला। इसके अलावा आपको बता दें विपक्षी पार्टियां सांसदों के सस्पेंशन से नाराज नजर आई, लगातार विपक्ष से लोकतंत्र की हत्या कहता रहा, यह भी बताया सरकार को कटघरे में खड़ा हम कर रहे हैं क्योंकि ये सीधा सीधा तानाशाही है। और क्या हुआ ये देख लीजिए, सदन जैसे ही शुरू हुआ, आपको बताते हैं जैसे ही सदन शुरू हुआ विपक्ष का जोरदार हंगामा भी साथ ही शुरू हो गया। सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई विपक्ष ने ठीक वही किया जो इसके पहले दिन भी देखने को मिला था, हंगामा, वो भी जमकर हंगामा हुआ। फिर क्या हुआ, लोकसभा स्पीकर ने कई बार सांसदों को वार्निंग दी, ओम बिरला, कई बार वो सांसदों को वार्निंग दे रहे थे सदन की कार्यवाही पर असर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, लेकिन किसी पर उनकी इस गुजारिश ने काम नहीं किया, वार्निंग काम नहीं आई। और फिर क्या हुआ, शांत ना होने पर, आपको बताते हैं, देखिए शांत ना होने पर 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। कुल मिलाकर के स्पीकर ने बार बार बोला, जब सांसद नहीं माने, शांत नहीं हुए, तो स्पीकर ने 49 सांसदों को एक साथ निलंबित कर दिया। और अब तक ऐसे में आपको बता दे कुल मिलाकर की ये संख्या कितने पे पहुंच जाती है, तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, एक साथ 141 अब तक निलंबित हुए विपक्ष के सांसदों की तादाद पहुंच गई है, सस्पेंड हुए सांसदों की, और ये भी अपने आप में 1989 के बाद एक रिकॉर्ड ही है, जब 63 सांसद निलंबित किए गए थे उसके बाद एक साथ 141। अब इस खासकर शीतकालीन सत्र की बात की जाए, ऐतिहासिक हो गया इस मायने में भी। अब सदन से 141 सांसद किन किन सदनों से सस्पेंड किए गए उस पर भी नजर डाल लीजिए, यानी 141 को अगर आप डिवाइड करें लोकसभा और राज्यसभा में तो कहां से कितने सांसद वो भी जान लीजिए, क्योंकि आप 141 का आंकड़ा जरूर देख रहे होंगे, लेकिन ये आपको बताते हैं। देखिए लोकसभा से निलंबित सांसदों की संख्या है 95, जबकि राज्यसभा से निलंबित सांसदों की बात करें तो 46 सांसद राज्यसभा से भी सस्पेंड कर दिए गए, और ये आंकड़ा कुल मिलाकर के 141 का हो जाता है। पूरे शीतकालीन सत्र के लिए सांसद निलंबित कर दिए गए। निलंबित टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद के गेट पर सुबह राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की। इस दौरान राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता मौजूद थे, कई सांसद वीडियो बनाते नजर आए। वहीं इस घटना को लेकर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर एक वीडियो देखा, गिरावट की कोई हद नहीं है, आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार का वीडियो बनाते हैं, मैं तो यही कहूंगा कि उन्हें सद्बुद्धि आए, कुछ जगह तो बख्शो। उधर सांसदों के निलंबन को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश की मोदी सरकार आम नागरिकों के आवास पर प्रहार कर रही, लोकतंत्र का गला घोंट रही। कांग्रेस पार्टी ने एक्स पर ट्वीट किया और लिखा, अब सदन में जनता की आवाज नहीं गूंजेगी, सिर्फ पीएम मोदी के मन की बात सुनाई जाएगी जिसमें जन की बात नहीं होगी। विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करने में मोदी सरकार ने इतिहास रच दिया, ये देश के नागरिकों की आवाज पर प्रहार है। सदन में सवाल पूछना गुनाह हो जाए, इससे शर्मनाक क्या ही होगा, लेकिन हम इन गीदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं, जनता ने हमें सवाल पूछने की जिम्मेदारी दी, हम इस जिम्मेदारी को हर कीमत पर निभाएंगे, न डरे हैं न डरेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे।
पार्लियामेंट हैज बीन टोटली डीलेजिटिमाइज्ड. दिस इज टू ले द फ्रेमवर्क ऑफ पासिंग द मोस्ट ड्रैकोनियन लॉज इन पार्लियामेंट which will turn this country into a police state. Mechanically, a list was read out like an attendance register, and it was said that all of us are suspended. All we've been asking is for a statement from the Home Minister, and our demand hasn't changed. But to mechanically suspend all of us, I guess that's the aim of the government, is to have an opposition-less parliament. वही बीजेपी और उसके सहयोगी दल का आरोप है कि विपक्ष सदन की कार्यवाही को चलने नहीं देना चाहता. साथ ही विपक्ष के आरोपों को निराधार बता रहे हैं. लोकसभा चुनाव से पहले ये आखिरी सेशन है जो कि फुल फ्लेज्ड ये सत्र चला. इसके बाद बजट के कुछ दिनों का सेशन आएगा. इसमें तमाम सांसदों को अपने क्षेत्र से जुड़े हुए विषयों को उठाना था, इम्पोर्टेंट बिल्स को यहाँ पे पारित होना था, और विपक्ष जिस तरीके से जिद पकड़ लेती है, कभी प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे तो सत्र नहीं चलेगा, कभी गृह मंत्री तो कभी रक्षा मंत्री तो कभी वित्त मंत्री, ये किस तरीके की परंपरा ये अपना रहे. और यही कारण है, देखिएगा अगली बार आधे से भी ज्यादा कम विपक्ष के सांसद रह जाएंगे और 400 से ज्यादा एनडी के सांसद जीतेंगे, क्योंकि इनके खुद के क्षेत्र के लोग ये देख रहे हैं कि किस तरीके की गलत रणनीति ये लोग सदन में अपना रहे हैं. तो पक्ष और विपक्ष इनकी अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन समझना यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर किस वजह से. तो ये सिर्फ और सिर्फ 13 दिसंबर आपको याद होगा, संसद में दो अनजान शख्स जब घुसे थे, हंगामा किया था, कलर स्प्रे का इस्तेमाल उन्होंने किया था सुरक्षा को लेकर, तब विपक्ष ने गृह मंत्री के बयान की मांग की. लेकिन ऐसा न होने पर अब विपक्ष ये हंगामा कर रहा है, जिसके बाद एक एक करके आपको अब टाइमलाइन दिखाते हैं. क्योंकि मांग सिर्फ इतनी कि गृह मंत्री जवाब दे, लेकिन गृह मंत्री जवाब नहीं दे रहे, जो कि किया जाना चाहिए, जायज. अगर इसे कहा भी जाए, इस परिप्रेक्ष्य में समझा भी जाए, तो जायज कहा जा सकता है विपक्ष की मांग को. लेकिन क्या हुआ टाइमलाइन देखिए. 14 दिसंबर 2023 लोकसभा के 13, राज्यसभा के 1, कुल मिलाकर के 14 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया. और ये प्रक्रिया जो थी ये फिर एक एक दिन हर दिन लगभग देखने को मिली, और तभी जाकर के आंकड़ा जो है ये अचानक से बढ़ा है. इसके बाद देखिए 14 दिसंबर के बाद 13 को याद कीजिए, क्योंकि बरसी थी संसद पर हमले की, और ये 22वीं बरसी थी, उसी दिन वो दोनों शख्स घुसे थे. फिर 18 दिसंबर 2023 लोकसभा के 33, राज्यसभा से 45 सांसदों का निलंबन हो गया, कुल सांसद सस्पेंड, ये संख्या पहुंच गई 78. सांसदों के निलंबन के बाद विपक्ष और हमलावर हुआ, लगातार सरकार को सदन में घेरने के लिए हंगामा करने लगा. और इसके बाद 18 दिसंबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के, जैसा हम आपको दिखा रहे हैं, लोकसभा से 33, राज्यसभा से 45 सांसदों को निलंबित कर दिया. कुल मिलाकर के ये आंकड़ा पहुंच गया 78 का. अब आगे देखिए, ठीक अगले दिन क्या होता है, 19 दिसंबर की तारीख, लोकसभा से 49, राज्यसभा से कोई सांसद निलंबित नहीं होता, और ऐसे में कुल मिलाकर के 141 सांसद अब तक सस्पेंड हो चुके हैं. आज के दिन को भी अगर आप जोड़ें तो आज 19 दिसंबर, आज एक बार फिर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला है, और ये संख्या इस प्रकार की सामने आई है. तो निलंबित सांसद 141, और ये लोकतंत्र की हत्या है. आवाज आम आदमी की दबाई जा रही है, तानाशाह मोदी सरकार, ये तमाम तमगे मोदी सरकार को दिए जा रहे हैं. सांसदों के निलंबन से सियासी बवाल मचा हुआ है. ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि किस पार्टी के कितने सांसद सस्पेंड हुए हैं. तो चलिए आपको बताते हैं. सबसे पहले बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के कुल 37 सांसदों को सस्पेंड किया गया. वहीं तृणमूल कांग्रेस के 14, डीएमके के 17, जेडीयू के 9, सीपीआईएम के 2, एनसीपी के 2, एसपी के 2, सीपीआई के 1, आपके 1, बीएसपी के 1 और अन्य 55 सांसदों को निलंबित किया गया. संसद के शीतकालीन सत्र के बीच भाजपा संसदीय दल की बैठक संसद पुस्तकालय भवन में हुई. इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे. इस दौरान पीएम मोदी ने संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर विपक्ष के रवैये पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विपक्ष के सांसदों का व्यवहार बहुत दुखी करने वाला है. विपक्ष जो कर रहा है ये उनकी हताशा है. संसद भवन में जो हुआ उसको सपोर्ट करना गलत है. विपक्ष ने मन बना लिया है कि वो विपक्ष में ही बैठेगा. अभी इस मीटिंग हॉल में जो जगह खाली है, ऐसा लगता है अगली बार ये जगह भी भर जाएगी. जो वर्तमान संसद में हुआ इसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने बहुत पीड़ा व्यक्त की. संसद चर्चा का विषय है, कई गंभीर बिल जिसे देश के विकास का और रास्ता बढ़ेगा उस पर चर्चा होनी चाहिए, और ये जो ब्लॉक कर रहे हैं, जो अवरोध पैदा कर रहे हैं, ये उनकी हताशा है 3 प्रदेशों में हार के कारण. तो उस हताशा की खींच को निकालने के लिए
संसद में अवरोध पैदा किया जा रहा है। तो विपक्ष हताश है, मोदी सरकार ये कह रही है, और विपक्ष मोदी सरकार पर हिटलर शाही का आरोप लगा रही है, लोकतंत्र को रौंदने का आरोप लगा रही है। ऐसे में ये भी जरूरी हो जाता है कि हम दोनों की सरकारों के कार्यकाल के दौरान सस्पेंड किए गए सांसदों की जांच करें, ये कंपैरिजन देखना जरूरी हो जाता है। और अगर पिछले 20 सालों के आंकड़ों को आप देखते हैं, यानी कि 2004 से 2014 जब मनमोहन सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, और 2014 जब मोदी आए, 2014 से अब तक यानी कि 2023 में मोदी सरकार, तो सस्पेंड हुए सांसदों की लिस्ट किस प्रकार की नजर आती है वो आइए अब आपको समझाते हैं। ये कंपैरिजन आप देखकर समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, विपक्ष के आरोपों में कितना दम है, ये समझने में आपको मदद मिलेगी। तो देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देखिए 2014 एक कंपैरिजन, 2023 तक यानी अब तक का, और 2004 से 14 जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, पार्टी बीजेपी कितने सांसद मोदी सरकार के कार्यकाल में सस्पेंड हुए, बीजेपी के एक भी नहीं, मनमोहन सरकार में भी एक भी नहीं। इसके बाद देखिए कांग्रेस के सांसदों की बात की जाए, 43 सांसद 14 से 23 तक सस्पेंड किए गए, जबकि अगर मनमोहन सिंह के कार्यकाल की बात की जाए 25 सांसद ऐसे थे जो कि कांग्रेस के ही 25 सांसद ऐसे थे जो कि मनमोहन सिंह सरकार में भी सस्पेंड किए गए। अब अगला देखिए AIADMK, इनके भी 34 सांसद सस्पेंड हुए हैं 14 से 23 के बीच, 2004 से 14 के बीच आप देख सकते हैं, यहां पर यह संख्या आपको शून्य में नजर आती है। इसके बाद TDP तेलुगु देशम पार्टी, देखिए 14 सांसद सस्पेंड हुए मोदी सरकार में जबकि मनमोहन सरकार में इनकी तादाद रही 9 की। आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए, महज एक, और मनमोहन सरकार में आप देख सकते हैं यहां पर एक भी सांसद सस्पेंड नहीं हुआ था। YSR की बात किया जाए तो एक सांसद यहां मोदी सरकार के कार्यकाल में भी नजर आता है, जबकि मनमोहन सिंह YSR से दो सांसद ऐसे थे जो कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान निलंबित हुए थे। तो ये आंकड़ा बता देता है आपको क्यों, कैसे ये रिकॉर्ड बना है, कितना जायज है जिस प्रकार के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, निलंबित किए गए यानी मोदी सरकार में। कुल मिलाकर के आपने देखा आंकड़ा मोदी और मनमोहन सरकार के कंपैरिजन का, किस तरीके का ये आंकड़ा रहा। लेकिन अब जो विपक्ष मांग कर रहा है आखिर वो कितना जायज है, अगर आप कंपैरिजन में देखते हैं तो लगता है कि एक ऐसी मांग को लेकर, क्योंकि सदन चलाना सिर्फ विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं कि विपक्ष हंगामा कर रहा है, बात यहां यह भी आ जाती है कि आप क्या विपक्ष को मना पा रहे हैं सिर्फ एक वक्तव्य के लिए। अगर विपक्ष बार बार वही रिपीट कर रहा है और आप मौका नहीं दे रहे हैं, बात नहीं रख रहे हैं, तो फिर सवाल सरकार पर भी उठता है। अब देखिए राज्यसभा में दोनों ही सरकारों के कार्यकाल में कितने सांसद निलंबित किए गए, इसका भी कंपैरिजन आपको दिखा देते हैं। लोकसभा आपने देखा, अब राज्यसभा की बात कर लेते हैं, और वही आंकड़ा 14 से 23 और 4 से 2014 तक का। देखिए बीजेपी के एक भी सांसद सस्पेंड नहीं हुए, मनमोहन सरकार में भी वही आंकड़ा रहा। कांग्रेस में देखिए 11 सांसद मोदी सरकार में सस्पेंड हुए, मनमोहन सरकार में एक भी आंकड़ा यहां पर नहीं नजर आ रहा। टीएमसी में देखिए 14 और शून्य आपको नजर आता है। आम आदमी पार्टी में 6 मोदी सरकार में सस्पेंड हुए, क्योंकि आम आदमी पार्टी हमलावर भी रही है मोदी सरकार के ऊपर। 4 से 14 तक वहां पर एक भी आपको नजर नहीं आता है आंकड़ा, जबकि अदर्स बाकियों की बात की जाए तो 17 मोदी सरकार में ऐसे सांसद जो कि सस्पेंड किए गए, और 2 महज 2 4 से लेकर के 14 के बीच ये सांसद हैं जिनका सस्पेंशन हुआ मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। अब आप इसके जरिए तय कर सकते हैं कहां विपक्ष स्टैंड कर रहा है, विपक्ष की मांगे कितनी जायज है, या फिर जिस प्रकार का निलंबन हो रहा है, जिस वजह से हो रहा है, वो कितना गलत या फिर कितना सही। और बड़ी बात यह भी है क्योंकि 22 तारीख को डेट तय किया गया है, विपक्षी सांसद प्रदर्शन करेंगे, देश भर में प्रदर्शन होगा, और इसलिए हम कह रहे हैं क्या यही हंगामा 2024 की रणनीति तैयार करेगा। इससे पहले 15 मार्च 1989 को 63 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, बलराम जाखड़ लोकसभा अध्यक्ष और थंबी दुरई डिप्टी स्पीकर थे। तब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के जांच के लिए बनाए गए ठक्कर आयोग की रिपोर्ट लोकसभा में रखी गई थी, इसमें इंदिरा गांधी के निजी सहायक रहे आरके धवन की भूमिका के बारे में टिप्पणियां थी। धवन उस समय राजीव गांधी के साथ थे और विपक्ष ने उनकी भूमिका की जांच की मांग की थी। भारी हंगामे के बाद विपक्ष की 63 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच जारी संघर्ष के बीच शीतकालीन सत्र एक बार फिर बाधित तो जरूर हो रहा है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पक्ष विपक्ष के बीच तनातनी क्या रूप लेती है। दिल्ली से संजीव त्रिवेदी, प्रशांत देव और रमन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।